हाईनेस CV350 का इग्निशन ऑन करते ही इसका हेडलाइट लिट अप होता है और उसका दोनों इंडिकेटर भी लिट अप होते हैं और ये ऐसे ऑन ही रहते हैं। और तो नाउ वी आर ऑन दी हाईवे और आज इसका थोड़ा हेडलाइट का परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया लैंडस्केप चैनल। वी आर बैक विथ अनदर वीडियो टुडे और आज का वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट दी विजिबिलिटी टेस्ट ऑफ दी हेडलाइट्स ऑफ CV350। और CV350 में LED हेडलाइट दिया गया है और जैसे मैं बता रहा था, जब आप इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो हेडलाइट लिट अप होता है, उसके साथ ये फ्रंट दो इंडिकेटर जो हैं वो भी ऑन होते हैं और ये हर टाइम ऑन रहते हैं। और इग्निशन ऑफ जब आप करते हैं तो ये दे गो ऑफ। और इसका जो स्प्रेड है, हम अभी एक पूरा डार्क एरिया में जाएंगे और वहाँ पे टेस्ट करेंगे कि कैसा है इसका लाइट। और ये अभी ये जो ब्रिज पे हम जा रहे हैं ये पूरी तरह से वेल लिट अप ब्रिज है, तो इसके ऊपर गाड़ी का इरिस ये एक्टिवा वाला CV350 का ये जो MID कंसोल है, मतलब ये जो स्पीडोमीटर जो जहाँ पे दिख रहे हैं आप, वो वाला कंसोल, वो जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता रहा था कि ब्राइट सनशाइन में भी काफ़ी अच्छा है इसका विजिबिलिटी, तो अभी ये जो आर्टिफिशियल लाइट है, नाइट लाइट्स, ये जो स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं, LED लाइट्स, व्हाइट लाइट्स, तो इसके अंदर भी, इसके अंडर भी ये स्पीडोमीटर कंसोल काफ़ी अच्छी तरह से विजिबल है और ये थोड़ा ब्लूइश काइंड ऑफ लाइट से लिट अप है वो कंसोल। तो ये होंडा ने ये जो कंसोल दिया है, MID कंसोल, वो अच्छे कैलिब्रेशन के साथ दिया है, वो सनलाइट हो या फिर ये आर्टिफिशियल लाइटिंग, काफ़ी बढ़िया व्यू इसका नज़र आता है। ब्रिज के उस तरफ हम जाएंगे इन सर्च ऑफ सम डार्क प्लेस, उस तरफ डार्क प्लेस है, वहाँ पे हेडलाइट टेस्ट करेंगे। तो सब रोशनी के तलाश में जाते हैं, आज हम अंधेरे के तलाश में जा रहे हैं, तो चलिए। तो ये पूरा डार्क रोड है, यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। तो मोबाइल पे मैं थोड़ा मेरा Insta360 जो हेलमेट पे माउंट है उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अभी इग्निशन ऑन किया है मैंने और ये हेडलाइट ऑन है, अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो ये पूरा डार्क रोड पे हेडलाइट, ये अभी मैं हेड दे रहा हूँ, लो बीम पे ये हेड। तो LED हेडलाइट जिस गाड़ी में सब होता है, उसका जो हाई बीम होता है, तो ये थोड़ा सा एक लो बीम पे एक बल्ज की तरह ही अपीयर करता है। ये देखिए, तो हैलोजन बल्ब वाले हेडलाइट जैसे लो बीम और हाई बीम में काफ़ी अंतर होता है और हाई बीम काफ़ी आगे तक, ऊपर तक लाइट थ्रो करता है, LED वाले हेडलाइट पे ये नहीं है। ये देखिए, जब मैं हाई बीम अप्लाई कर रहा हूँ तो वो लो बीम के ऊपर एक छोटा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है लाइट। ये देखिए, ये हाई बीम जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अभी लो बीम पे चल रहा है, तो ऐसा ही है। मेरे FZ25 में भी ऐसा ही है LED लाइट, ये हाई बीम थोड़ा सा एक पॉइंट उसके ऊपर एक बल्ज ही क्रिएट कर रहा है, नथिंग एल्स। तो ये LED हेडलाइट के साथ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी इस गाड़ी का थ्रो अच्छा है, जैसे आप देख रहे हैं लगभग 6-7 मीटर तक इसका थ्रो है और स्प्रेड ज़्यादा नहीं है, बस ठीक ठाक ही है और सिटी के लिए तो परफेक्ट है। और ये जो ऐसे पूरे डार्क वाले रोड पे ऐसे रीजनेबल ही है, और दोनों साइड पे अगर जंगल वगैरह है कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है, क्योंकि दोनों तरफ लाइट का थ्रो होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और शायद साइड से कोई जानवर या कैटल वगैरह घुस आए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मैं कॉन्स्टेंटली हाई बीम बीच बीच में दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को
दिखाने के लिए इसके लाइट का परफॉर्मेंस और थ्रो। तो अभी हम आ गए हैं थोड़े सिटी के अंदर, और सिटी के अंदर आप जैसे देख रहे हैं इसका लाइट का थ्रो जितना है दैट इज सफिशियंट। और कमिंग बैक टू इट्स एमआईडी कंसोल, तो जब हम कंप्लीट डार्कनेस में ड्राइव कर रहे थे तो इसका जो एमआईडी कंसोल वो ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा था, जैसे आँखों में चुभता है ऐसा कुछ नहीं, वो भी काफ़ी जेंटल लग रहा था। तो इसका जो एमआईडी है वो ब्राइट सनशाइन हो या फिर आर्टिफिशियल सिटी स्ट्रीट लाइट्स हो या फिर कंप्लीट डार्कनेस हो, वो अपना एक अच्छा कैलिब्रेशन के साथ होंडा ने बनाया है। तो इसका एमआईडी कंसोल इज एक्सलेंट। तो अभी हेडलाइट पर हम कंसंट्रेट करते हैं जो कि आज के वीडियो का मेन टॉपिक है। तो इसका हेडलाइट आई वुड से कि रिजनेबल है, इसका परफॉर्मेंस इस नॉट दैट ग्रेट लाइक द रॉयल एनफील्ड हेडलाइट्स, और तो ठीक ठाक ही है। आई डोंट लाइक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशंस, और इसका जो वो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, रिलायबल बाइक बिल्कुल नहीं बनाता रॉयल एनफील्ड। बाकी उसका हेडलाइट जो हैलोजन के साथ देता है काफ़ी अच्छा देता है। और तो ये रहा हेडलाइट के बारे में। होंडा हाइनेस का CV350 का हेडलाइट मेरे हिसाब से रिजनेबल ही है, सिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, डार्क पूरा डार्क एरिया में ये रिजनेबल ही है। सो आई विल गो फॉर ऑक्स लाइट्स विथ दिस बाइक। और मेरे गाड़ी में अभी लेग गार्ड भी लग नहीं पाया है क्योंकि यहाँ पे भुवनेश्वर में एक्सेसरीज अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। जब लेग गार्ड लगेंगे उसके लेग गार्ड के ऊपर ही मैं माउंट करूँगा ऑक्स लाइट्स। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ऑक्स लाइट लेने के बाद भी मैं उसके ऊपर तो वीडियो श्योर बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।